हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, फाइनली हमें बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है एजुकेशन का, हमें मिल चुका है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स। तो हमने तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, वहाँ पर पैटर्न अवेलेबल नहीं था। तो ये पेपर 90 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, बिल्कुल लेटेस्ट है, आदि का पेपर है। 5 क्वेश्चन में आपको करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पेशेवर विकास की अवधारणा को समझाइए। शिक्षकों के नियंत्रण पेशेवर विकास की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो ये हमने इम्पोर्टेंट में करवाया था, वही क्वेश्चन हमें देखने को मिला। दूसरा, भारत में पूर्व सेवा और इन सेवा शिक्षक शिक्षा की चुनौतियां क्या है। भारत में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता की चिंता कैसे संबंधित की जा सकती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए एनईपी वाला क्वेश्चन, तो आप एनईपी कर रहे हो, आपको तो पता ही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षकों के सतत पेशेवर विकास के लिए रूपरेखा पर चर्चा करें। आपको क्या लगता है, कैसे ये ढांचा सेवारत शिक्षकों की शिक्षा को लाभान्वित करता है, जो लाभान्वित यानी उनको बेनिफिट देता है, ठीक है। चौथा आपका, शिक्षक पेशेवर विकास के समकालीन उपाय के रूप में शिक्षक परीक्षण मॉडल, अन्वेषण मॉडल का परीक्षण करें। आज की कक्षाओं में छात्रों की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए प्रत्येक मॉडल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करें। पांचवा, राष्ट्रीय शिक्षा पेशेवर मानकों NPST के ढांचे पर 4 अंत संबंधित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा करें। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT की भूमिका पर चर्चा करें, जो विद्यालय शिक्षकों के पेशेवर विकास कार्यक्रमों की योजना संगठन करता है। NCERT राष्ट्रीय शिक्षा स्तर पर पाठ्यक्रम विकास और शिक्षा प्रशिक्षण को कैसे समर्पित करता है। फिर सातवां पूछा गया, आपके अनुसार शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण नैतिकता मूल्य क्या है, विस्तार से समझाइए। बस यही 7 में से आपको 5 करने हैं, तो पेपर ठीक है, थोड़ा टीचर लेवल का है। तो वीडियो कैसी लगी, जो होता है।